नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। झारखंड का देवघर कोर्ट में शनिवार सुबह करीब 11 बजे उस वक्त अचानक दहशत और अफरा तफरी का माहौल हो गया जब कोर्ट परिसर में लगातार एक के बाद एक तीन गोलियों की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज से थर्राए कोर्ट परिसर में मौजूद लोग, वकील और सुरक्षाकर्मी आवाज की तरफ भागकर पहुंचे तो एक वकील के केबिन से खून में लथपथ पड़ा एक शख्स मिला जिसकी पहचान बिहार से लाए गए एक कैदी अमित सिंह के तौर पर हुई। गोलियों से घायल अमित सिंह ने थोड़ी ही देर में वहीं दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बिहार के पटना जिले के बिहटा का रहने वाला हिस्ट्री सीटर अमित सिंह पटना के बेऊर जेल से पेशी के लिए देवघर कोर्ट लाया गया। पेशी के बाद वह एक वकील के केबिन में बैठा था, तभी एक व्यक्ति ने आकर उस पर तीन गोलियां चला दी। गोली मारने वाले को जब पकड़ने की कोशिश की गई तो वह हवा में तीन फायरिंग कर पिस्तौल को वहीं फेंक कर मौके से फरार हो गया। अमित सिंह के साथ चार पुलिस कर्मी भी थे पर उसकी मौजूदगी में अपराधी अंजाम देकर भाग। निशाने लगा के चलाई गई गोली से मौके पर ही अमित सिंह की मौत हो गई। तुरंत ही पुलिस के आला अधिकारी और कुछ जज घटना स्थल पर पहुंचे और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। मृतक अमित सिंह को देवघर के कारोबारी चंचल कोठारी अपहरण मामले में पेशी के लिए लाया गया। कबाड़ कारोबारी चंचल कोठारी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया था। अमित कुमार सिंह उस मामले में आरोपी था। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है और अपराधी को जल्द पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है पर सुरक्षित समझे जाने वाले कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े सुरक्षा कर्मियों के बीच गोलियों से किसी की हत्या कर फरार हो जाने की इस घटना के बाद भारतीय अदालत की सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से सवाल के घेरे में आने के साथ साथ कटघरे में भी आ गई। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहे NYTV.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और YouTube पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचती रहे।